अस्सलाम वालेकुम। जितने भी प्यारे भाई दोस्त हैं जो यूएई के अंदर अपना नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, दुबई के अंदर अपना नया बिजनेस कारोबार स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए एक न्यू खबर, एक न्यू अपडेट स्पेसिटो की कंपनी की कैटेगरी के हिसाब से, स्टेपमेंट की कैटेगरी के हिसाब से न्यूज आई है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से आई गई है और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही आप न्यूज देख रहे हैं कि 1, 2, 3 ऐसे उन्होंने 3 कैटेगरियां मुतारफ करवाई हैं कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपकी कंपनी किस तरह से कैटेगरी 2 के अंदर रह सकती है, आपकी कंपनी कैटेगरी 3 में नहीं जाएगी। इसकी कोई डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। एक एक चीज आप लेबर की तरफ से एक ट्विटर आया है जिसपे ये लिखा हुआ है, नए अदारों को इब्तदाई तौर पर टायर 2 के तौर पर दर्जा बंदी किया गया है और वजारत के 3 दर्जे की दर्जा बंदी के निज़ाम के मुताबिक खुद ब खुद दोबारा दर्जा बंदी की जा सकती है क्योंकि वो मुतलका मयार पर पूरा उतरते हैं। सबसे पहले टायर 1 एस्टेब्लिशमेंट को टायर 1 के तौर पर दर्जा बंदी किया जाता है जब वो यूई लेबर मार्केट के कवानीन और सवाबत की तमीर करते हैं और कम से कम दर्जा ज़ायद 6 मयारात में से एक पर पूरा उतरते हैं। अपनी इमराती शरह को मतलूबा हदफ से कम 3 गुना बढ़ाना, सालाना कम से कम 500 मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरियों की तरबियत नफीस के साथ तावन करना, नौजवानों को इमराती कारोबारों की मालकियत में छोटा सा या दरमियाने दर्जे का कारोबार होना, तरबियत और रोजगार का मरकज होना जो मुल्क के अंदर शिकाफती तनु को फ़रोग देकर अफराती कुवत की मनसूबाबंदी की पॉलिसी के नफाज में मुआनियत कर हतफ बनाए के 81 शोबों और सरगर्मियों में से एक में से काम करता हो, ज़ोनस्कोर्प अदारों की दरमियान होना। टायर 2 इस जमरे में नए अदारे शामिल हैं जो वफाकी हुक्मनामे के कानून और उसके इंतजामी जवाब, वर्क परमिट और मुलाजमत के वादे के फैसले और उजरत के तहफ़ का निज़ाम WPS मुल्क में शिकाफती आबादी तनू को फ़रोग देकर अफराती कुवत की मनसूबाबंदी की पॉलिसी पर अमल पैरा होने के अलावा। अब बात करते हैं टायर 3। किसी एस्टेब्लिशमेंट को टायर 3 के तौर पर दर्जा बंदी किया जाता है अगर वह अफराती कुवत के मनसूबाबंदी की पॉलिसी की तमीर करने में नाकाम रहती है या लेबर रिलेशन कानून के ज़वाबत और उसके नफाज ज़वाबत की खराब वलती करती है। यानी कि बताने का मकसद सिर्फ यही है कि कुछ न्यू अपडेट्स हैं कंपनी की कैटेगरी के हवाले से, इसको समझना पड़ेगा आपको थोड़ा सा कि अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो 2 में रहेगा, अगर आपको फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी कैटेगरी 3 में भी जा सकती है।